दो मे को एग्जाम हुआ है ठीक है फोर मे को एग्जाम हुआ है ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस ऐसे ऐसे आज मेल्स यहां पर रिसीव हुए हैं ऐसा बोला है कि असेसमेंट 17 और 18 मई को होगा ठीक है सो यू कैन एक्सपेक्ट के आपका जो स्लॉट बुकिंग का ईमेल है वो आपको अराउंड 14 टू 15 में आ सकता है ठीक है ओके सो अभी तो प्रोग्रेस यहां पर है बट लेट्स ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ पीएडीए ठीक है

और ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव हुए हैं और ये अभी नाइन्थ मे तक आपके लाइव हैं नौ मे तक आपको यहाँ असेसमेंट देना है दोनों से मैं कंफर्म कर चुका हूँ और सभी स्लॉट से भी कंफर्म कर चुका हूँ ठीक है बट यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा अगर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ दो पॉसिबिलिटीज है देखो दो पॉसिबिलिटीज है मैं आपको इस भ्रम में बिल्कुल नहीं डालूंगा कि आप वेट करो आपको आ जाएगा नहीं क्लैरिटी से बात करेंगे दो पॉसिबिलिटीज यहां पर जो है आपको बता देता हूं देखो कम्युनिकेशन जो एक्सेंचर का असेसमेंट है ना ये भी पिछली बार दे सेंट इन फेजेस ठीक है तो ये बेसिकली कैसे होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं वॉट दे डू इज के जो टॉप वाले होते हैं ना कट ऑफ क्लियर करने वाले उनको यहां पर पहले चला जाता है और अगर रिक्वायरमेंट्स बचती हैं उसके बाद यहां पर नीचे वालों को भी जाता है अगर आपको ये मेल नहीं रिसीव हुआ है कम्युनिकेशन असेसमेंट नहीं मेल रिसीव हुआ है आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं देखो अगर दो और चार मई वालों का अगर इंटरव्यू आ जाता है इंटरव्यू अभी चल रहा है कम्युनिकेशन असेसमेंट तो आप ये मान के चलो कि एसेंट चांसेस हैं कि आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है आपके फर्स्ट असेसमेंट में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जर्नली अगर आप देखोगे तो दो और चार मई दोनों को यहां पर आपका एग्जाम हुआ था एक्सेंचर का जिसके स्लॉट्स थे मतलब दो मई को भी चार मई को भी स्लॉट्स थे ठीक है दो मई को तीन मई को चार मई को जो भी आपके स्लॉट्स थे ठीक है अब ये जो एग्जाम हुआ था इन दोनों का रिजल्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट का आया है एक साथ बच्चों को एक साथ रिसीव हुआ एंड इफ यू डिड नॉट येट रिसीव द कम्युनिकेशन असेसमेंट एक बड़ी पॉसिबिलिटी है शायद आप रिजेक्ट हो सकते हो ठीक है अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं अगर दो और चार मई दोनों के कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद जो कि 9 मई को है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इंटरव्यू यहां पर 15 से 20 मई के बीच में शेड्यूल हो जाएंगे ठीक है अगर 15 से 20 मई के बीच में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं और तब भी अगर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव नहीं होता है मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा एक्सेंचर यहां पर रिजेक्शन मेल कम ही भेजती है एक स्ट्रॉ चांस हो जाएगा कि आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम्युनिकेशन असेसमेंट ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को जा चुका है जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था ये वाला फर्स्ट वाला कॉग्निटिव टेक्निकल का दो मई को चार मई को बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं ये वाला असेसमेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट इसलिए यहां पर एक 50 50 परसेंट का चांसेस है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया बट इस चीज को अभी कंफर्म्ड नहीं बोलूंगा कि अभी आप रिजेक्ट हो इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज यहां पर यह हो सकता है कि कम्युनिकेशन अभी बाद में और इंटरव्यू से पहले भी रिसीव ठीक है अगर इंटरव्यूज आ जाते हैं तो मैं आपको यूट्यूब पर इंफॉर्म कर दूंगा तो एक स्ट्रॉन्ग चांस होगा कि आप लोगों को यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है ठीक है अब नाव आगे बढ़ते हैं ये तो हमने पी एडीए को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ली नाउ डिस्कस अबाउट ऐसे ऐसे जॉब रोल ठीक है और पीएडीए के सुनो एक लास्ट चीज जो लोग भी यहाँ पर नेक्स्ट फेज के लिए देख रहे हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट फेज आएगा क्योंकि इसमें एक चीज में बताना चाहता हूँ वन स्टूडेंट कॉन्टेक्टेड द सपोर्ट एंड उसने पूछा कि नेक्स्ट फेज कब आएगा सो दे आंसर्ड नेक्स्ट फेज बहुत ही जल्दी यहां पर रिलीज होने वाला है उन्होंने मना नहीं किया कि इस महीने नहीं आ रहा नहीं कुछ नहीं आ रहा ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा इस नेक्स्ट फेज सो प्रिपेयर रहो नेक्स्ट फेज में हो सकता है जितने भी बच्चे लोग हों जिनको अभी नहीं आए हैं मेल वगैरह हो सकता है आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको मेल्स वगैरह आ जाए नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसे ऐसे जॉब रोल टॉकिंग अबाउट दिस यहां पर जो अभी अपडेट आया है वो आया है सत्रह से अट्ठारह मई को आप लोगों का टेस्ट होने वाला है ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई 14 से 15 मई तक तो आपको स्लॉट बुक का आ सकता है अब जो गलतियां पी ए वालों ने करी हैं वो आपको नहीं करनी है पहली बात तो मॉक असेसमेंट में सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट जितना भी हार्डवेयर है सब कुछ बढ़िया तरीके से पहले ही देख लेना दूसरी बात आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहां पर चीज है अपना पहला टारगेट रखो कि आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट आ जाए और इस टारगेट के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कोगनेटिव क्लियर करना क्योंकि जो लोग ऐसे ऐसे जॉब रोल से हैं उनको केवल कॉगनेटिव क्लियर करना है उसके बेसिस पर यहां पर आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा बट फाइनल सिलेक्शन में यहां पर टेक्निकल असेसमेंट का भी स्कोर काउंट होगा सो so, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी उतनी ज्यादा नहीं है पहले कॉगरेटिव पे फोकस करो एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक पहुंचो फाइनल सिलेक्शन देखा जाएगा अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है आई वुड सजेस्ट पहले आप कॉगरेटिव पे फोकस करो क्योंकि जो पीएडीए वाला जॉब रोल है उसमें भी यहां पर वेटेज कॉग्नेटिव को ज्यादा दी जा रही है ठीक है सो ऐसे ऐसे वाले थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम एनालिसिस यहां पर शॉर्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा जितना अभी एक्सेंचर का एग्जाम देखने को मिला है उससे दो चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है एग्जाम एनालिसिस सो दो चीजें क्लियर हमें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज के एक्सेंचर कोग्नेटिव पर ज्यादा फोकस कर रही है बिकॉज जिन बच्चों का टेक्निकल असेसमेंट गंदा गया था ज्यादा अच्छा नहीं गया था उन लोगों को भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी बात एक और चीज है देखो अच्छा रिजल्ट टेक्निकल वालों को देखने को मतलब जिनका नहीं गया था वो तो देखने को मिला दूसरी बात कई बच्चों के कोडिंग क्वेश्चन या तो एक ही कोडिंग क्वेश्चन हुआ जीरो पॉइंट हुआ इवन उनको कम्युनिकेशन असेसमेंट भी यहाँ पर आ चुका है सो so, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो कॉग्निटिव है उसको यहाँ पर वेटेज ज्यादा दिया जा रहा है हाँ बट ये बात ये थी कि उनका कॉग्नेटिव काफी अच्छा गया था ये मैं पॉइंट एड करना चाहूंगा सो so, कॉग्नेटिव को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है एक्सेंचर में ये बात मैं आपको एग्जाम एनालिसिस में बता सकता हूं अभी तक जितना भी हमें देखने को मिला है उस बेसिस पर दूसरी बात एक्सेंचर में जो कोडिंग क्वेश्चन थे जो शुरू में पूछे गए थे वो बहुत ज्यादा इजी पूछे गए थे बट अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो एग्जाम है उसमें एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है कोडिंग क्वेश्चन को सो so मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर टारगेटिंग द कोडिंग क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन पढ़ लेना लास्ट टाइम ग्रीडी का क्वेश्चन देखने को मिला था सो so, थोड़ा सा लेवल इनने बढ़ा दिया है ठीक है दूसरी बात एग्जाम एनालिसिस में एक और चीज है कि अभी अगर आपका एग्जाम मतलब आगे होने वाला है तो दो चीज जैसा मैंने आपको बताया एक तो कॉग्रेटिव पे फोकस करो टेक्निकल में कोडिंग का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है एक चीज यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो आ, आपका एग्जाम है इसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मोस्टली अगर आप देखोगे तो पूरा एग्जाम रीजनिंग से कवर किया गया है सो so अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश थोड़ी सी ईजी भी आ रही है आप रीजनिंग को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो इस पर फोकस करो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ सो कट ऑफ तो ऑब्वियसली इज गोइंग लो हाई कट ऑफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्लियर असेसमेंट वाला मेल मैसेज uh, आ गया था क्लियर असेसमेंट वाला मैसेज आ गया था, सो आई वुड सजेस्ट के जो कट ऑफ है वो तो इतना कुछ खास ज्यादा नहीं जा रहा है अगर आप बेसिक स्कोर कर पाते हो तो यहाँ पर हाँ डेफिनेटली ये कट ऑफ आपको हेल्प करेगा हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा जिन लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट का यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ है ना उन लोगों के यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर आएगा कम्युनिकेशन असेसमेंट है ना आपके हाई चांसेस हैं अगर आपको ये रिसीव हुआ था बट बाकी सब एक्सेंचर का भगवान भरोसे इनकी प्रोसेस थोड़ी सी रैंडम रहती है वो अब आप आगे जो होगा वो अपन बता देंगे इस चैनल पर ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो